दरवाजा बंद किया वॉशरूम का, और उसके बाद मेरे आंखों से ऐसे 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 आंसू निकले। यार मैं कुछ ना कुछ सोचने लग गई थी कि पता नहीं सब ठीक आ जाए सारे, मतलब मैं एक चीज ये बोलता हूँ, मुंह से ना नेगेटिव वर्ड निकालने भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका प्यार, आप सबकी प्रेयर्स की वजह से आप सबकी नोबिता काफी ठीक हो गई है। आप सब बहुत कंसर्न थे मेरे बारे में। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि मुझे हुआ क्या था। ये वाला ब्लॉग बहुत दिल के करीब है और टाइटल थंबनेल आपने देख लिया है। हम लोग बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर ये मोटी होती जा रही है, खा खा के फैल रही है, वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप एंड तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत सारी मेमोरीज भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी कुछ ही टाइम पहले नाक्षी हॉस्पिटल गई थी। वो हॉस्पिटल क्यों गई थी, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छा, जहां पर ना बेबी की बात आती है, बेबी ना हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, हर एक कपल के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड। अगर हम फर्स्ट चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो वैसे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद, बहुत ज्यादा इसको बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। हमने अपने वीडियोस में कहाँ कहाँ बेबी के बारे में बात करी, हम ऐसे बेबी के बारे में ऐसे हमने जो डिस्कशंस करी वो आपको पहले दिखाना चाहते हैं। हम 40 दिन तो रखते ही रखते हैं, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, 3 महीने रखो, साल रखो, जब तक कंसीव नहीं करता तब तक। ज्यादा खुश नहीं हो रही? किस बात पे खुश हो रही है बताइयो। नहीं, पापा मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि बर्थडे पे आपकी एक सबसे बड़ी विश पूरी हो जाए कि आप छोटा बंडो छोटी झुंड। बोले बोली बात बड़े बनाए। अच्छा, बताओ मैंने पापा से दादू बन जाए। आज मैंने बैठे बिल्कुल आपकी मतलब मजेदार बात कर दी ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, गॉड से मिले। और अभी भी प्रार्थना शुरू कर दी है मैंने कि अब ये विश पूरी होनी चाहिए। अब बात है बंटी, छोटा बेबी कब आएगा? बात बताओ, आपके फेस पे आज इतना ग्लो लग रहा है और पिंपल्स हैं, कोई खुशखबरी है? अरे मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने वो लेप लगाया था उसका लग रहा होगा नतीजा, वो हल्दी से और ज्यादा वो चेहरा हो रहा है, थोड़ा हल्दी लगाई थी ना। मुझे लग रहा है कुछ अलग ही ग्लो है, कुछ खुशखबरी सुनाने वाली हो। अरे नहीं ऐसा नहीं है, पतिदेव से पूछो, पतिदेव बताएंगे आपको। अरे तो तुम बताओ, पतिदेव से बाद में पूछूंगी। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सही में कुछ नहीं है, सही में अभी नहीं, अभी नहीं है। छोटा बंटी, छोटा बंटी, छोटा बंटी छोटी दिन में अभी नहीं है, पतिदेव बताएंगे आपको बाकी। ये पोस्टर क्यों लगाया है? ये पोस्टर क्यों लगाया है? आप बताओ, आप लोग गेस कीजिए। भाई फर्स्ट टाइम एनिवर्सरी पे हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, आप लोग गेस नेक्स्ट एनिवर्सरी पे हम 3 जनों को बधाई देंगे। मम्मी पापा और मासी की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं ये। बताओ तुम दूसरों की बर्थडे पार्टी अटेंड करोगे, अपने पे कब ध्यान दोगे? तो अपने पे ध्यान दे तो रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। अरे काम के अलावा अपने भी तो बच्चे होने चाहिए, अपने फैमिली बढ़ानी चाहिए। 2 है अभी, आप 2 हो, 2 से 4 बनो, 4 से 6 बनो, 6 से थोड़ी वो क्रिकेट की टीम बनाओ। क्रिकेट टीम 11 अभी से चक्कर आ रहे और थोड़ा सा क्या हो गया था, इंडाइजेशन हो गया था, जिसकी वजह से इसकी हालत बुरी हो गई। मतलब अब जो है ना, मैं इसको बाहर घूमने के लिए कह रहा हूँ तो बाहर घूमने के लिए इसका मन नहीं कर रहा, और ये मैडम और मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई है। चलिए बेबी प्लान कर लो, अब बेबी प्लान करो तो इसकी हालत देखो, मेरी हालत है कि तू एक बेबी को होल्ड कर सके या फिर उसको प्लान कर सके, इतने छोटे से में तो तू हिल गई, कैसे करेगी? तो मम्मी को क्या देख रही है उधर, इधर बता पहले। अरे वो भगवान जी को ताकत दे, भगवान जी ताकत दे देंगे तेरे को। बात बताओ, आपकी बहू तैयार है? हर चीज का आप डिसाइड करो। अभी तो हिल गई वो। अरे ये तो तकलीफ अलग है, इसमें हिल जाने की, जब पेट खराब होगा इतना ज्यादा मोशन होंगे तो हिलेगी तो सही ना। तो मतलब बॉडी वाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है ना वो, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? क्योंकि अभी थोड़ी सी तबीयत खराब होगी तो हिल गई, ऐसा नहीं हो। कैपेसिटी तो है नहीं, और वो तो उसकी इतनी ज्यादा हालत बुरी हो गई इतनी सी तबीयत खराब होने में, तो क्या करेगी वो आगे, ये बताओ। और आपको कोई बोलने का फायदा है? उससे कोई फायदा होगा आपको बोलने का? गजब बेइज्जती है। क्यों क्यों, क्या करनी है अपनी मर्जी की, बार बार हम इस बात को अगर रिपीट करें उसका क्या फायदा, कोई फायदा है? पहले प्रेशर था शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले, अब ये प्रेशर हो गया कि बच्चा कर ले बच्चा कर ले बच्चा कर ले। तो आप काटोगे ना इससे, क्यों कटवा रहे हो अभी मत दसेगा? ये भी तो मम्मी बनेगी ना। तो अभी थोड़ी है, कोई बात नहीं, कभी भी तो है तो मम्मी बनेगी ना। ये चीकू की मम्मी है, चीकू की मदर्स डे फुड भी मदर्स के लिए मम्मी कहना चाह रही है। लड़की चाहिए या लड़का? मुझे दोनों एक बार में। अरे हाँ, छोटा बंटी भी छोटी धन होगी, मतलब जनरली होता है, ऑनेस्टली होता मुझे
मुझे चाहिए दोनों, एक छोटा बंडी चाहिए, छोटे दोनों चाहिए। बहुत फन किया हम लोगों ने एक्चुअली, हमें भी नहीं पता था एग्जैक्टली, हमने मतलब ऐसे प्लान करके नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं। और अब बताने का टाइम आ गया है कि हम लोग बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या ये मोटी हो रही है। वेल थैंक्स टू गॉड, थैंक यू, यस वी आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। तो यस, जितने भी लोगों ने कमेंट किया मीनाक्षी भाभी मोटी हो रही हैं, वेट को संभालो और ये और वो, आई थिंक अब सब लोगों का मुंह बंद हो जाएगा और सब लोग गुड विशेस देंगे, अच्छी अच्छी विशेस देंगे हम लोगों को। बस एक्चुअली मैं यही मैं बोलने वाला था कि मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि पेरेंटिंग और एक फादर बनने वाली फीलिंग कैसी होती है, क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था, मतलब कि कैसे होने वाला है और क्या फीलिंग होती है। बट नाउ इट इज हैपनिंग, इट इज जस्ट लाइक अ मिरेकल, मतलब एक जादू की तरह लग रहा है, एक चमत्कार की तरह लग रहा है और एक ऐसा लग रहा है कि हम कौन से फेज मैं आ गया लाइफ के। क्या सोचती है? मैं आपको बताऊं, मेरी तो मतलब बच्चे है ना, बच्चे मुझे कोई भी बच्चा दिखता ना छोटा सा तो मुझे ऐसे मन करता है कि मैं उसको गोदी में ले लूं, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बच्चे। जब मुझे पहली बार पता चला था कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बिल्कुल भी मतलब होता है ना कि इंसान रोता है हंसता है, मुझे समझ नहीं आया। मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई थी, बहुत ही ज्यादा मैं खुश हो गई थी कि मैंने इनको बताया। एक मिनट के अंदर जैसे ही मुझे पता चला, जब मैंने टेस्ट लिया था प्रेगनेंसी किट से, तो मैंने सबसे पहले इनको फोन किया बहुत जल्दी एकदम से बिना डिले किए, बल्कि मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा ना हो कि उसमें रिजल्ट्स तो 100% एक्यूरेट आते हैं कि नहीं आते, इनको फोन किया। फिर आपको कैसा लगा था मुझे जब मीनाक्षी ने मुझे बताया था और वो फोटो भी भेजी थी किट की, तो मैंने वो बात सुनी तो हमने एक्चुअली में प्रैंक बहुत सारे किए इसके ऊपर, बेबी प्रैंक किया और प्रेगनेंसी प्रैंक भी हमने किया था, बट असली में भगवान हमारे ऊपर प्रैंक कर देगा ये नहीं सोचा था। जोक्स अपार्ट, लेकिन दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। मैं ऑफिस था तो मैंने जब वो देखा और इट वाज जस्ट लाइक वेरी इमोशनल, मेरी आंखें भर आई। ऑब्वियसली मैं खुल के तो इमोशंस अपने निकाल नहीं सकता था, तो आई वेंट टू द वॉशरूम, वॉशरूम जाके मैंने दरवाजा बंद किया वॉशरूम का, और उसके बाद मेरे आंखों से ऐसे 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 आंसू निकले एंड इट वॉज वेरी हैप्पी मोमेंट एंड वी आर वेरी हैप्पी। तो लोग पूछते थे कि कब आ रहे हैं, तो फाइनली छोटा बंटी या फिर छोटी धन्नो, दोनों से एक जन आने वाला है हमें भी नहीं पता कौन आने वाला है, लेकिन बहुत क्यूट होने वाला है। मैं तो चाहती हूँ पति देव की शक्ल पे जाए, बहुत क्यूट है। नहीं यार, मैं तो बहुत एवरेज दिखता हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी शक्ल बजाय ये थोड़ी सुंदर लड़की है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, आप बताना नीचे कमेंट में कि हम दोनों में से किसके ऊपर जाना चाहिए। हाँ, और आपको क्या लगता है, छोटा बंटी आएगा या फिर छोटी धन्नो? तो जैसे ऐसे बोलते हैं कि जो किट होती है वो 100% श्योर नहीं होती है, तो हमने कुछ टाइम बाद अल्ट्रासाउंड कराया तो हम देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए। ये रहा हमारा बेबी छोटा सा, अभी तो बहुत छोटा सा इसमें दिख रहा है, लेकिन जब होगा तो मतलब तो भी मालूम होना चाहिए बिल्कुल ना, ऐसे बिल्कुल रेड, बिल्कुल एकदम सा होता है जैसे गाल खींचने से होना चाहिए। तो जब अल्ट्रासाउंड कराने हम जाने थे ना, तो मैं बताऊं, मैं तो बहुत नर्वस था और मीनाक्षी भी कुछ अलग ही रिएक्ट कर रही थी, मतलब क्योंकि ना मैंने कुछ केसेस सुने थे तो थोड़ा मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, मैं कुछ ना कुछ सोचने लग गई थी कि पता नहीं सब ठीक आ जाए सारे, मतलब यार मैं एक चीज ये बोलता हूँ, मुंह से ना नेगेटिव वर्ड निकालने भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत नर्वस हूँ। नर्वस है क्यों? सेकंड लेवल अल्ट्रासाउंड है, दोनों चीजें। अरे क्योंकि मैं पहली बार प्रेग्नेंट हो रही हूँ ना, सब लोग पहली बार ही होते हैं। अरे मतलब तो स्टिल नर्वसनेस हो रही है, ये सब अच्छा हो, सब बढ़िया हो। आप बताओ आपको कैसे लग रहा है? चेहरे पे ऐसे घबराहट क्यों आ रही है तेरे? ऐसे मेडिटेशन कर ले, देख यहाँ पर सारे भगवान की फोटो भी हैं, मेडिटेशन कर ले थोड़े से। तो जब अल्ट्रासाउंड हुआ और उसके बाद डॉक्टर ने दिखाया कि बेबी मूव कर रहा है, उसके
छोटी सी नाक दिखाई थी और छोटे छोटे हाथ दिखाए थे. डॉक्टर वॉज वेरी काइंड और वो बता रहा था कि ये तो सेल्फी बेबी है. सेल्फी बेबी पता नहीं ऐसे डॉक्टर ने क्यों बोला कि सेल्फी बेबी है, मुझे समझ नहीं आया. आपको भी पहले से ही स्टार है, उसको सेल्फी क्लिक करवाने का बहुत शौक है, तो वो ऐसी पोज दे रहा है अपने ऐसे करके मतलब. और शक्ल को आसानी से निकाला, शक्ल तब दिखाएगा तो दादी माँ मुंह दिखाई देगी. इसीलिए ही मीनाक्षी हॉस्पिटल में थी और इसीलिए बिकॉज मीनाक्षी को थोड़ी सी वीकनेस आ गई थी, थोड़े से ड्रिप और ग्लूकोज चढ़ना था, इसीलिए इसको बेचारी को हॉस्पिटल में रखा गया था. सो ये थी हमारी छोटी सी जर्नी. हमारे बेबी आगे कैसा होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बट अभी हम आपको ये बताना चाहते थे कि यस वी आर एक्सपेक्टिंग एंड वी आर प्रेगनेंट. सो थैंक यू सो मच गाइज आपकी विशेज के लिए, आपका सपोर्ट के लिए, आपकी गुड विशेज के लिए, प्रेयर्स के लिए. आप प्लीज हमारे बच्चे के लिए प्रेयर करना और अच्छी अच्छी विशेज देना, अच्छी अच्छी विशेज देना और अच्छा अच्छा हमें बताना कि हमारा बेबी बिल्कुल हेल्दी हो, हेल्दी बहुत हो. अच्छा हो, प्लीज सब प्रे करना. आप नीचे कमेंट में ये बताना कि इसको कैसे ख्याल रखना चाहिए, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है जो अगर देख रहे हैं तो प्लीज बताना. और नीचे कमेंट में ये जरूर बताना कि मेरे ऊपर जाना चाहिए बेबी या इसके ऊपर जाना चाहिए, छोटा बंटी होगा या छोटी धन होगी, वो जरूर बताना. एंड बाय द वे गाइस थैंक यू सो मच वीजे राहुल भाटिया. हमारा जो वीजे राहुल भाटिया चैनल है जिसमें हम प्रैंक्स और चैलेंजेस करते हैं, उस पे 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ व्यूज पूरे हो गए हैं. ये सब आपकी वजह से है, हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं, एक्चुअली में ये सारा क्रेडिट आपको जाता है एंड आप ही की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका. सो इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपकी पूरी फैमिली खत्म करने से पहले एक बार मुस्कुरा दीजिए. जल्दी मिलते हैं.